हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी। आज आप लोगों के सामने मैं परसेंटेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं रेशियो कन्वर्जन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंट यहाँ परसेंट जो बना है पर प्लस सेंट, सेंट में सेंट का मीनिंग होता है 100। जैसे आपको 20% फाइंड आउट करना है, 20, दैट मीन्स अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, ठीक है। अब इधर हम लोग देखते हैं, हम लोग अब जो थोड़ा सा देखेंगे परसेंटेज को हम लोग रेशियो में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर फोकस हम लोग थोड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें 100% क्या होता है 1, यानी कि परसेंटेज में 100 रेशियो में क्या हो गया 1, परसेंटेज में 100 रेशियो में क्या होगा 1, ओके। अगर हम बात करें परसेंटेज में 100 तो उसका रेशियो वैल्यू जो हो जाता है 1, इधर रखे हैं हम लोग परसेंटेज वैल्यू और इधर रख दिए उसका रेशियो वैल्यू, और सभी को फिर हम लोग हाफ हाफ करते जाएंगे। अब 100% का हाफ करेंगे तो क्या होगा 50%, अब इधर भी क्या हो गया 1/2। अगर हम लोग 50% को फिर से हाफ करेंगे क्या होगा 25%, क्या होगा 1/4, फिर 25 को फिर से हाफ करेंगे क्या होगा 12.5%, ये क्या हो गया इधर 1/8, फिर क्या होगा इसको हाफ कीजिए 6.25%, ये क्या हो गया 1/16, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसको अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज का ABCD हो गया। ये परसेंटेज का क्या है, ये ABCD। अब इससे हम लोग बहुत सारा, इसके हेल्प से बहुत सारा हम लोग परसेंटेज हम बना सकते हैं। हाँ, इसको जो है याद करने का एक तरीका क्या है, सपोज ये 100% है, 100% क्या होता है 1, ठीक है, 100% का मीनिंग क्या हो गया 1, चलिए बहुत अच्छा, ये तो बहुत आसान है। अगर 50% है तो 50% का, जैसे इसको हाफ किए लेफ्ट साइड में, अगर हाफ किए तो राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, हाफ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 50% है तो 1/2 हो गया। अब 50% अब ऐसे हम सोचेंगे कि 50 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो क्या होगा हाफ होगा, 50 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो क्या होगा 100 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, इसीलिए 50% का रेशियो वैल्यू क्या हो गया 1/2। अब ये 25% को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए 25% का जो वैल्यू होता है रेशियो वैल्यू क्या होता है 1/4। 12.5% को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, तो 12.5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा। 6.25% को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, 16, इस तरह से। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100% का रेशियो वैल्यू 1 होता है, 50% का रेशियो वैल्यू हाफ होता है, 25% का रेशियो वैल्यू 1/4 होता है, 12.5% का रेशियो वैल्यू 1/8 होता है, 6.25% का रेशियो वैल्यू क्या होता है 1/16। हम कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हाफ करते हम लोग आ गए हैं। अब इसके हेल्प से और भी हम लोग रेशियो कैसे बनाएंगे, और भी हम लोग परसेंटेज से रेशियो हम लोग कैसे जाएंगे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि परसेंटेज मल्टीपल ऑफ 100%, ठीक है, क्या बोले हम परसेंटेज मल्टीपल ऑफ 100%, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि 100% क्या होता है, उसका रेशियो वैल्यू 1 होता है। अब उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है 200%, तो रेशियो वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अगर आपसे पूछेगा 300%, तो रेशियो वैल्यू क्या होगा 3। अब हम लोग ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग हैं, इसका रीजन है, सपोज आपको सिंप्लीफिकेशन में या कहीं पे अरिथमेटिक कर रहे हैं और वहां पे दे दिया फाइंड द 300% ऑफ 500,
तो हम लोग क्या करेंगे, 300% मतलब क्या हो गया 3, और 500 का क्या हो गया 5, तो ये 1500। यहां तो कोई डाउट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आपका और भी हम लोग परसेंटेज धीरे धीरे टिपिकल परसेंटेज हम लोग जाएंगे। अब इधर देखिएगा नेक्स्ट, अब यहां पर देखते हैं कि परसेंटेज परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 50%। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, 50% उसका मीनिंग क्या होता है, 1/2। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा 150% तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, 3/2। ठीक है, यानी कि हम 50 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 150 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऐसे भी सुब्रेक कर सकते हैं, 150%, तो मेरे दिमाग में क्या चला, 150%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 50%। तो 100% का मीनिंग हो गया 1, अब 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2। इसीलिए 150% का होता है 1 इंटीजर 1/2। क्लियर है? अगर आपसे पूछेगा 350% मतलब 300% प्लस 50%, 300 के लिए 3 हो गया, 50% के लिए क्या हो गया, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ, परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ, जैसे हम लोग इस पे वर्कआउट कर चुके हैं, इस पे वर्कआउट कर चुके हैं, 25% करते हैं, तो 25%, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, बेस वैल्यू क्या रहेगा, 25%, तो कितना हो गया, 1/4। तो अगर हम बात करें 75% क्या हो गया, 3/4। 25 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आएगा, 25 × 3 = 75, इसलिए 3/4 हो गया। अगर हम लोग बात करें 125% फाइंड आउट करना है, तो 125% इसका मीनिंग क्या होगा, 100% मतलब 1 प्लस 25% मीनिंग हो गया 1/4, यानी कि 1 इंटीजर 1/4। अगर आपसे बात करें 375%, दैट मींस 300%, दैट मींस क्या हो जाएगा, 3, और 75% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 3/4, यानी कि 375% का रेशियो वैल्यू होता है 3 इंटीजर 3/4। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12.5%। नेक्स्ट क्या हम लोग आते हैं, 12.5%। अब ये हम लोग इस तरह के परसेंटेज को हम लोग माइंड में फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 12.5%, यहां पे लिखेंगे 12.5%। ठीक है, और परसेंटेज लास्ट विथ 0.5% परसेंटेज लास्ट विथ 0.5%, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा उसका बेस वैल्यू क्या होगा, 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। ठीक है, 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 1/8। अब उसी तरह से हम लोग अगर आपसे पूछेगा 37.5% इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, 3/8। ठीक, अगर आपसे पूछेगा 62.5%, ये क्या हो जाएगा, 5/8। क्यों, 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 37.5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 62.5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसी तरह से आप 87.5%, तो मेरे दिमाग में क्या चला, अच्छा लास्ट में क्या है, 0.5 है, तो 12.5 दिमाग में हम लोग रखेंगे,
ये 12.5 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 87.5 आएगा, तो कितना हो जाएगा 7 से, 7/8। अगर आपसे बात करें कि 112.5% 100% प्लस 12.5%, 100% के लिए क्या होता है 1 और 12.5 के लिए क्या होता है 1/8, तो 1 इंटीजर 1/8, क्लियर है। इस तरह से हम लोग ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि परसेंटेज के लास्ट में जब भी 0.5 हो तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। अब उसी तरह उसी के मल्टीपल में ही आपको देगा 37.5%, मतलब क्या हो गया 3/8, 62.5% इसका मीनिंग क्या हो गया 5/8, और 87.5% क्या हो गया 7/8, और 112.5% दैट मींस कि ये 100% के लिए 1 हो गया और 12.5% के लिए क्या हो गया 1/8। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लास्ट में, इसका जो है परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 6.25%। अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक। ये क्या है यहाँ पे कि परसेंटेज परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 6.25% 6.25% या परसेंटेज लास्ट विथ 0.25% / 0.75%। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि अच्छा इस तरह से 6.25% ये क्या होता है 1/16, ठीक है, ये क्या हो गया 1/16। अब जो भी परसेंटेज देगा आपको इसी के मल्टीपल में देगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 18.75%, तो क्या हो जाएगा 3/16। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से तो कितना हो जाएगा 31.25%, तो क्या हो जाएगा 5/16। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से 43.75%, तो क्या हो जाएगा 7/16। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो ये हो गया 56.25%, क्या हो जाएगा 9/16। अगर हम इस पे हम लोग फोकस करें ऐसे, अगर हम बात करें कि 68.75% वो क्या हो गया 11/16। अगर हम लोग बात करें 81.25% तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, यह अच्छा आएगा 13/16। अगर हम बात करें 93.75% ये क्या हो जाएगा 15/16, ठीक है। अगर हम बात करें कि 106.25%, तो ये क्या है 100% है और ऊपर से 6.25% एक्स्ट्रा है, तो 100% के लिए 1 लिखेंगे और 6.25 के लिए क्या लिखेंगे 1/16, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दिया कि 118.75%, तो 100% के लिए क्या लिखे हम लोग 1, ठीक है, 100% के लिए क्या लिखे 1, और 18.75 के लिए क्या लिखेंगे 3/16। तो हम लोगों को परसेंटेज से हम लोग रेशियो में कैसे गए ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल इसका, अब हम लोग ये तो हम लोग देखें कि परसेंटेज से रेशियो हम लोग कैसे गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए आप कि 18.75% ऑफ
6400। अच्छा तो 18.75% का वैल्यू क्या होता है 3/16 इनटू कितना 6400। अब इसको फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सम्स आपको प्रीवियस ईयर बैंक पीओ में दिया था कि फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 137% ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपको दिया था बैंक पीओ में, बहुत पहले का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 100% के लिए क्या लिखे, हम लोग 1 लिखेंगे और 37%, 37 मतलब क्या होगा 37.5, मतलब क्या किया है इसको 3/8 इंटू कितना 1, 2, 3, 4, 5। अब इस तरह से ये वैल्यू बहुत ही हम लोग जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये अभी देखे जो है परसेंटेज से रेशियो का कन्वर्जन और थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन, ठीक है। आज इतना ही था, थैंक यू। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।